हाउ टू डाउनलोड फ्री फायर एडवांस एवर, इफ यू एडवांस एवर डाउनलोड फ्री फायर एडवांस एवर कैसे डाउनलोड करें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। तो जी गाइस, आज हम बात करेंगे कैसे आप लोग एडवांस एवर को डाउनलोड कर सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, मतलब डाउनलोड कैसे करने है तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको खुद प्ले करके भी दिखाऊंगा, मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसके बाद प्ले करके भी दिखाऊंगा उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आया है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग भी OB39 का जो एडवांस सर्वर आया है उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखते हैं ना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जरूर से गाइस देखते हैं ना वीडियो। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो क्या करो, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो भी कर लो, उसके बाद एक बेल आइकन है उसको दबा कर सेट कर लो। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर दे। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी। तो एडवांस सर्वर को गाइस डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन करना है, गूगल क्रोम ओपन कर सकते हो। एंड इसके बाद जाके आपको यहां पे सर्च करना है फ्री फायर एडवांस सर्वर करके। तो यहाँ पे कुछ हिस्से से लिखने हैं, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आपको सर्च कर देना है, सर्च करने के बाद आपको बहुत सा वेबसाइट मिलेगा, लेकिन मतलब अदर वेबसाइट पे अपनी जाने, ऊपर में जो वेबसाइट मिलेगा आपको ff.advance.ff.gainer.com ऐसे आपको मिलेगा। तो आपको इस पे जाने एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको लॉग इन का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग फेसबुक से कर सकते हो या फिर गूगल से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गूगल से करता हूँ क्योंकि गूगल से ज्यादा झमेला नहीं रहता है, मतलब बहुत इजीली हो जाता है। लॉग इन करने से पहले एक चीज बता देता हूँ, जो आपका अकाउंट के साथ लॉग इन रहेगा ना, मतलब जो अकाउंट से आप लोग फ्री फायर ओपन करते हो उसी आपको लॉग इन करना पड़ेगा, मतलब आपका फ्री फायर का कोई एक अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं गूगल का अकाउंट लॉग इन करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास अकाउंट है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे मेरा लॉग इन हो चुका है। उसके बाद इस पेज आ जाएगा एंड अभी आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी डालना है, जिसपे मतलब अगर आपको कोई डायमंड वगैरह मिलते, कोई फ्री का डायमंड वगैरह मिलते तो आपको उस पर ईमेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल वगैरह डाल देना, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, मैंने जैसे डाल दिया। उसके बाद ज्वाइन नाउ पे आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड इसके बाद आपके सामने आपका एक्टिवेशन कोड आ जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तक डेट नहीं आया है। एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा 10 तारीख को, 10 मार्च को मिलेगा एंड यहाँ पे आपका एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा। तो जरूर से यहाँ पे जो एक्टिवेशन कोड है इसको याद कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना या फिर कॉपी भी कर सकते हो। एंड एक्टिवेशन कोड बहुत ही जरूरी है, मतलब आपको ओपन करने के लिए, एडवांस सर्वर को ओपन करने के लिए देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग एडवांस सर्वर को ओपन ही नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रहे बाबा, तो एक्टिवेशन कोड को रख देना। एंड यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है आपको 10 तारीख को मिलेगा, फिर से बताओ, लेकिन मेरे पास पहले से आ चुके हैं, इसका फ्री एक्सेस आ चुके हैं, तो मैं आपको ओपन करके भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से ओपन करते हैं या फिर क्या क्या चेंजेस आया है। तो जरूर से वीडियो को देखते हैं ना। एंड इसके बाद गाइस नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा बग रिपोर्ट का, जहाँ पे क्लिक करके आप लोग बग वगैरह रिपोर्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपका बग वगैरह सही होता है, मतलब अच्छा खासा आप लोग बग रिपोर्ट करते हो, तो आपको डायमंड भी मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना, सबसे पहले बग रिपोर्ट पर क्लिक करना है, गेट डायमंड पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद गाइस देखते हो बहुत सारे डायमंड है या फिर 1000 डायमंड तक आपको भी मिल सकते हैं आपका मेन आईडी के अंदर, मतलब जिस आईडी के अंदर अभी आप लोग फिलहाल फ्री फायर खेल रहे हो ना, फ्री फायर मैक्स में जो खेल रहे हो उसके अंदर भी आपको डायमंड मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बग रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर जब भी फ्री फायर का एडवांस सर्वर अवेलेबल हो जाएगा उस टाइम पे आपको मिलेगा। तो इस पर आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद आपका जो भी कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह आपको अपलोड करना है, जो भी प्रूफ वगैरह मांगता है आपको देना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे सबमिट वगैरह हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका बग सही होता है, मतलब अच्छा कुछ आप लोग बग निकाल लेते हो, तो आपको यहाँ पे डायमंड मिल जाएगा। एंड जितना भी कुछ रहेगा सब कुछ आपका ईमेल के अंदर आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे सब कुछ कर पाओगे। तो कुछ इस तरह करके आप लोग एडवांस सर्वर के लिए रजिस्टर कर सकते हो। एंड एक्टिवेशन कोड कैसे मिलेगा अभी मैंने आपको दिखा दिया। तो चलो अभी मैं आपको अपना जो एडवांस सर्वर है उसको ओपन करके दिखाता हूँ, या फिर एडवांस सर्वर को कैसे ओपन कर सकते, कैसे लॉग इन वगैरह कर सकते हो एंड क्या क्या चेंजेस आया सब कुछ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एंड मेरे पास क्यों आया है, क्योंकि मुझे पहले से एक्सेस मिल चुके हैं, मेरे पास वेब ऐसे आपको बताऊंगा। तो चलो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ पे पास आपको क्लिक करना है, कैसे करना है सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या आपको न्यू न्यू चीजें मिलेगी, क्या चेंजेस आने वाले एडवांस सर्वर के अंदर या फिर अपडेट के बाद। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुके हैं, तो अभी मैं यहाँ पे जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा एडवांस सर्वर का एपीके, इसका कुछ इस तरह से आइकन मिलेगा। तो चलो इसको ओपन करते हैं एंड मैं आपको ओपन वगैरह करके भी दिखाता हूँ, मतलब एक्टिवेशन कोड वगैरह डाल के दिखाता हूँ किस तरह से ओपन होता है। तो सबसे पहले इसका साउंड कम करते हैं एंड इसके बाद आपको क्या करना है, पे गेस्ट पे लॉगिन करना है, फेसबुक से आप लोग लॉगिन ही नहीं कर सकते हो, तो गेस्ट पे क्लिक करते हैं। एंड इसके बाद आपको गो टू पे क्लिक करना है, अगर ऐसा आता है तो, अगर नहीं आता है तो कुछ भी नहीं करना है। एंड इसके बाद आपको यूज दिस फोल्डर करके करना है, कोई भी आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद यूज दिस फोल्डर करना है, इसके बाद अलाउ करना है। एंड इसके बाद आपका जो गेस्ट अकाउंट है वो बन जाएगा। एंड इसके बाद आपको टैप टू बिगिन पे क्लिक करना है, जैसे आप लोग टैप टू बिगिन पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से लॉगिन पेज। एंड आपको नेम वगैरह डालना पड़ेगा, उसके बाद एक्टिवेशन कोड डालने का ऑप्शन आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आता है, आपको कंफर्म करने एंड इसके बाद आपका नेम डालना है। तो चलो यहाँ पे नेम डाल देते, यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया। उसके बाद आपको लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका यहाँ पे नेम सेट हो जाएगा एंड आपका जो एडवांस सर्वर है ओपन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो ओपन हो रहा है अभी। एंड अभी एक्टिवेशन कोड आपको देना पड़ेगा, जो आपके सामने एक्टिवेशन कोड आया होगा ना आपको उसको देना पड़ेगा, जैसे आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग एक्टिवेशन कोड नहीं देते हो तो आप लोग ओपन ही नहीं कर पाओगे, मतलब गेम नहीं खेल पाओगे। तो आपको यहाँ पे एडवांस सर्वर देना पड़ेगा, मतलब एक्टिवेशन कोड देना पड़ेगा।
मिलेगा। तो चलो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ मेरा एक्टिवेशन कोड एंड उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ओके पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे जो एडवांस सर्वर है ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो टैप टू बिगिन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा मेरा एडवांस सर्वर ओपन हो जाएगा और मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या चेंजेस आया है, किस तरह का आपको मिलता है एडवांस सर्वर OP39 का एंड आप लोग कैसे क्या कर सकते हो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। एंड पहली बार जब भी आप लोग फ्री फायर को ओपन करें तो अभी का टाइम पे कुछ इस टाइम पे आते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आपको गेम प्ले करना पड़ता है। तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस फाइनली हमारा एडवांस सर्वर आ चुका है जैसे आप लोग देख सकते हो। एंड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले इवेंट पे चलते एंड जो भी डायमंड मिलता है फ्री में मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरह से आ चुके हैं। तो जैसे आप लोग लॉग इन करोगे डेली का आपको इतना तक करके डायमंड मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो भाई बहुत सारे डायमंड मिलते हैं। एंड इसके बाद लेवल अप मिशन है जैसे देख सकते हो। एंड इवेंट का कुछ इंटरफेस चेंज हो चुका है जैसे आप लोग देख सकते हो, बैकग्राउंड में कुछ आ रहे हैं एंड ऊपर में ऐसे डायमंड क्लेम करने का ऑप्शन आ रहा है। तो चलो यहाँ पे फिर से क्लेम कर दे आप पे। एंड इसके बाद आपको भी ऐसे क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग भी क्लेम करना। एंड इसके बाद ट्रिपल कुछ मोड आया है यहाँ पे, इस पर क्लिक करते। एंड इसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड, यहाँ पे भी डायमंड नहीं मिला एंड यहाँ पे भी कुछ डायमंड नहीं। जैसे आप लोग देख सकते भाई इतने सारे आपको डायमंड मिलेगा एडवांस सर्वर के अंदर, आप लोग छोड़ भी नहीं सकते। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे स्टोर में चल के दिखा दो क्या क्या न्यू आया है स्टोर के अंदर। अगर कोई चीज़ न्यू आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे न्यू पे चलते एंड कोई इमोट कोई पेट वगैरह तो नहीं दिख रहा अभी फिलहाल। एंड इसके बाद गाइस कैरेक्टर में चलते हैं। तो आप लोग जैसे कैरेक्टर के अंदर जाओगे आपको बहुत सारे प्रीसेट मिलेगा, तो पास प्रीसेट आपको मिलेगा आपसे। एंड इससे पहले जो गेम के अंदर मतलब अभी का टाइम पे आप लोग गेम के अंदर जाओगे तो आपको दो प्रीसेट मिलता है, लेकिन अपडेट होने के बाद आपको पास प्रीसेट मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड प्रीसेट का इंटरफेस भी चेंज हो जाएगा जैसे आप लोग देख सकते हो। एंड कैरेक्टर में चलते हैं। एंड इसके बाद प्रीसेट में जाके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर में फिर से आपको क्लिक करने। एंड इसके बाद आप लोग कैरेक्टर के अंदर आ सकते हो एंड कोई न्यू कैरेक्टर आया है कि नहीं देखते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे कोई न्यू कैरेक्टर मिल जाओ, तो शायद से अभी फिलहाल तो नहीं आया लेकिन एक दो दिन बाद ऐसे आ जाएगा। एंड अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा भाई, कैसे आएगा। यहाँ पे कैसे हमारे मेल बॉक्स के अंदर कुछ आया मैं आपको दिखा दूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो एल्वेरा कैरेक्टर मिला है एंड इसका एलाइट वर्जन भी मिला है, मतलब एल्वेरा कैरेक्टर का न्यू वर्जन आने वाला है, एलाइट वर्जन आने वाला है। तो चलो इसको क्लेम करते हैं एंड हमें मिल चुके हैं। एंड अभी हम लोगों का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो चुका है, जैसे देखते हो भाई 16 लेवल हो चुके हैं। तो भाई फिर से लेवल अप हो रहे हैं, तो फिर से ओके करते हैं एंड कितना बार होगा भाई इसको बैक करते। हमारा लेवल अप हो चुका है, हम लोग अभी ट्रेनिंग के अंदर भी जाके देखते हैं क्या ट्रेनिंग चेंज हुआ है, कुछ भी मतलब चेंज आया है या फिर पुराना ट्रेनिंग रन आया कि नहीं आया है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है एंड ट्रेनिंग स्टार्ट भी हो चुका है जैसे आप लोग देख सकते हो। एंड जाके देखते हैं हमारा पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड क्या वापस आया है, क्या मतलब क्या हुआ है। तो चलो चलते हैं ट्रेनिंग के अंदर, कोई भी गन नहीं लेंगे एंड इसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें आया है ट्रेनिंग के अंदर। तो यहाँ पे गाइस कुछ इस तरह से आपको मिलता है ट्रेनिंग एंड भाई पहले से आइए सब कुछ मतलब पहले से आपको मिलेगा। एंड थोड़ा सा चेंजेस आपको मिले तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन मुझे तो मतलब सब कुछ पहले से लग रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हो कुछ स्टेप से आपको मिलेगा एंड सब कुछ पहले से मतलब सब कुछ पहले से मिलेगा अपडेट के बाद ट्रेनिंग के अंदर। अगर कोई चेंजेस आता है तो बाद में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरह का है गाइस हमारा न्यू एडवांस सर्वर OP39 का। एंड इसके बाद अगर कोई न्यू चेंजेस आता है कुछ मतलब बहुत ही मज़ेदार सब कुछ आता है तो मैं आपको शॉर्ट के थ्रू बता दूंगा मतलब क्या चेंजेस है या फिर क्या चीज़ है। तो कुछ सही था एडवांस सर्वर, आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करे तो भी कर लेना, उसके बाद एक बेल आइकन है उसको भी कॉल पर सेट कर लेना। तो इस वाले वीडियो को लेकर इतना था, वो भाई मिलते नेक्स्ट वीडियो में।